डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, आप सबका ना एसएसटी का एग्ज़ाम है और क्लास 8 की मैं बात कर रहा हूँ, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे डिस्कशन आपसे करूँगा। बिफोर एग्ज़ाम आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो जो आपकी पॉलिटिकल की बुक है उसमें आपके दो चैप्टर आ रहे हैं, तो उन्हीं चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन हम ये पूछ लेते हैं कि संविधान की ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपसे पूछते हैं हमें संविधान क्यों चाहिए, तो आप बता दोगे कि किसी को भी ना बेगानेपन का एहसास ना हो। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को लगे कि हमें उस कंट्री में इक्वलिटी प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, हमें जो है किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं झेलना पड़ रहा, और हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिले, हर किसी को अवसर मिले, ठीक है। कानून जो है ना लो वो सही से बन सके, और जो कानून बनाने वाली गवर्नमेंट है ना उस पर कंट्रोल बनाया जा सके। तो मैंने 4-5 पॉइंट बता दिए, दोबारा सुनोगे ना आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपसे पूछ सकता है फंडामेंटल राइट कौन से होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट कितने होते हैं, 6 होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है, देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसने हमें फंडामेंटल राइट दिए वो 6 ही हैं, वो बढ़ घट नहीं सकते, ठीक है। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं ना, वो कोई स्टेट जो गवर्नमेंट होती है ना वो अपने स्टेट के लोगों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न करती है ना, स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो वो डायरेक्ट प्रिंसिपल होते हैं, हिंदी में नीति निर्देशक अधिकार कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे दिल्ली के अंदर अगर जो केजरीवाल जी हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने दिल्ली के बच्चों के लिए कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करी, हो सकता है वो किसी और स्टेट में ना हो, है ना, तो वो डायरेक्ट प्रिंसिपल कहलाते हैं, ठीक है। ये किसी के लिए भी हो सकता है, वेलफेयर के लिए होता है, ये कल्याण के लिए होता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल होते हैं ना वो कल्याण के लिए होते हैं, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट दे रखे हैं वो टोटल 6 हैं, तो आपको पता होना चाहिए राइट टू इक्वलिटी होता है, राइट टू फ्रीडम होता है, ठीक है। इक्वलिटी का मतलब ये है कि समानता का अधिकार, समानता मतलब सब जो है ना समान है, सब समान है। इक्वलिटी मतलब कहने का ये कि कानून सबके लिए बराबर होगा, ठीक है ना, तो लॉ विल बी इक्वल फॉर ऑल। ऐसे स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का मतलब होता है, स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आपको कहीं पर भी आने जाने की आज़ादी, राइट टू फ्रीडम है, ठीक है, आपको कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी आप मकान खरीद सकते हो, आप अपने भाषण को दे सकते हो, ठीक है, जो एक लॉफुल तरीके से होता है, ठीक है। और ये सब समझ में आ गया समानता। एक होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट फ्रॉम सेफ्टी फ्रॉम एक्सप्लोटेशन, मतलब आपका शोषण नहीं किया जाएगा। इसमें दो बातें आती हैं, 14 साल से कम उम्र के बच्चे से आप काम नहीं करा सकते, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, मतलब बच्चों को जैसे बेच देते हैं ना वो आप नहीं कर सकते। ऐसी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है चौथा, मतलब आप किसी भी रिलीजन को जो है ना अडोप्ट कर सकते हैं और अपने रिलीजन के लिए काम कर सकते हो, ठीक है। और शिक्षा और मतलब संस्कृति को अपनाने का अधिकार या बनाए रखने का अधिकार, तो मतलब आपका जो कल्चर है ना उसको आप बना सकते हो, उसके लिए आप जो है इंस्टीट्यूशन बना सकते हो, इस तरीके से आपको अधिकार है। एजुकेशन एंड कल्चरल से रिलेटेड एक हमें राइट मिला हुआ है 5वें नंबर पर। और छठा मिला हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज हमें प्रोवाइड होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। इसमें होता है डियर कि अगर हमें ये 5 अधिकार नहीं मिल रहे ना, तो इसको पाने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, और ये अधिकार है जो हमें बाकी अधिकार दिलवाने में हेल्प करता है, ठीक है। आप राइटिंग को मत देखना, मैं जो समझा रहा हूँ उसको आप समझो, सुनोगे तो आप बना बना के लिख दोगे एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हमारी जो कंट्री है, ठीक है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फीचर्स हैं, हमारा जो देश है ना, ठीक है, हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना है, अगर आपसे पूछे संविधान किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो आप ये बता सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे लॉ डिस्क्राइब होते हैं कि उस कंट्री को कैसे चलाना है, रन कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ीचर क्या है, तो आप बता सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये फीचर है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमारी कंट्री सेकुलर होगी। सेकुलर मतलब अगर आपसे अलग से पूछ रहे हो, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, जब राज्य का कोई धर्म नहीं होता, व्हेन देयर इज नो रिलीजन ऑफ ए स्टेट, मतलब जहाँ पे हर स्टेट में जो रिलीजन है ना उसको मतलब अडोप्ट करने का मतलब अपना मतलब लोग कोई भी किसी धर्म को अपना सकते हो, राज्य उसमें जो है ना हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है, उसमें वो अपने इंटरवेंशन उसमें नहीं करेगा कि भाई आप यही धर्म अपनाओ ये धर्म अपनाओ, तो राज्य का कोई लेना देना नहीं है। मतलब शॉर्ट में अगर सेकुलर का मतलब होता है कि जब किसी राज्य का कोई धर्म नहीं होता, व्हेन देयर इज नो एनी रिलीजन ऑफ ए स्टेट, ठीक है।
जहाँ पर आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो। अगर आप, और ये तो सेकुलर एक इसकी फीचर हो गई, मैं आपको तीन चार बता देता हूँ। जैसे आप ये याद रख सकते हैं फेडरलिज्म, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की दूसरी या पहले नंबर पर भी बोल सकते हो, जो भी आगे पीछे लिख सकते हो आप। अलग से पूछ सकते हैं फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म का मतलब होता है जब किसी देश के अंदर एक से ज़्यादा लेवल पर गवर्नमेंट होती है ना, उसे संघवाद कहते हैं। जैसे भारत के अंदर एक से ज़्यादा लेवल पर गवर्नमेंट है ना, भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, और लोकल गवर्नमेंट भी आ जाती है भारत में। दूसरा है, हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट मतलब होता है कि जहाँ पर एक सिस्टम है जिसके अंदर ना, मतलब लोगों के लिए जो है ना, लोगों के लिए लॉज वगैरह बनाए जाते हैं, मतलब जनता द्वारा चुने हुए लोग जहाँ पर जनता के लिए कानून बनाते हैं, ठीक है। तो मतलब एक वोटिंग सिस्टम होता है, सुन लो, हमारे पार्लियामेंट में राज्यसभा लोकसभा, ठीक है, ये आती है, ठीक है। और तीसरा आप ये देख सो याद, पावर डिवीज़न हमारे देश में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में आता है कि हमारे देश में जो पावर डिवीज़न है वो कितने हैं, मतलब शक्तियों को बंटवारा कितने बार में किया गया। तो तीसरी विशेषता ये होगी, और इसके अंदर पूछेगा तो पावर डिवीज़न में आपके बताओगे शक्तियों को बंटवारा में, आप बता दोगे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो तीन होते हैं हमारे शक्तियों को बंटवारा, सरकार के जो अंग होते हैं जो कहे जाते हैं। और सेकुलर तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये चौथी विशेषता में आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये हमारे संविधान की विशेषता है, और इसके अंदर से पूछेगा तो आप ये बता दोगे। टाइम की कमी थी, नहीं तो मैं बहुत सुंदर और अच्छे से नोट्स बना के लिख देता, ठीक है। तो कमेंट बहुत बच्चों के आ रहे थे ना कि सर प्लीज़ प्रोवाइड करो, तो मैं बिल्कुल जो जैसा मेरे पास अवेलेबल था उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो EVM, अगर आपसे EVM की फुल फॉर्म पूछेगा तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। MP की पूछेगा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। MLA की पूछेगा तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली है, ठीक है। और सेकुलर का तो मतलब आपको मैंने बता दिया। अब देखो, अब एक आगे की चीज़ सुनो, हमारा जो देश है वो कब फ्री हुआ था, 15 अगस्त 1947 में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो किसने बनाई थी, एओ ह्यूम ने बनाई थी, 1885 में बनाई थी, ठीक है। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिंबल हैंड है ना, हाथ, तो इसलिए हाथ बनाया था। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना, वो कब आया था, 1909 में आया था, ठीक है। और पार्लियामेंट की अगर पूछेगा, पार्लियामेंट यानी कि जो हमारी संसद है ना, संसद के कितने पार्ट होते हैं, तो आप बता देना, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति, मतलब प्रेसिडेंट। तो लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं आपको पता है, लोकसभा में 543 होते हैं, दो राष्ट्रपति चुनता है, याद रखना, लोकसभा में दो राष्ट्रपति चुनता है, टोटल हो गए 545, ठीक है। और राज्यसभा में 238 सदस्य जो जनता द्वारा चुने हुए लोग हैं वो चुनते हैं, और 12 जो होते हैं वो राष्ट्रपति चुनता है, याद रखना, राज्यसभा में 12 चुनता है, लोकसभा में राष्ट्रपति जो है दो चुनते हैं, ठीक है, सुन रहे मेरी बात। तो इस तरीके से ये हो गया। और ये याद रखना कि जो लोकसभा है ना, ये LS लोकसभा, इसे लोअर हाउस कहते हैं, एल से लोक, एल से लोअर हाउस। तो लोअर हाउस ज़्यादा पावरफुल होता है, राज्यसभा जो होती है वो कम पावरफुल होती है, उसे अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि पता ही, लोअर हाउस क्यों पावरफुल है, क्योंकि जनता ने चुना ना इसको, ठीक है। और अटल पंचायत पता है बच्चों आपको क्या होता है, अटल पंचायत मतलब वयस्क मताधिकार, 18 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति या 18 साल का है तो उसे वोट डालने का अधिकार होता है ना, उसे बोलते हैं अटल पंचायत, ठीक है। और अब सुनो, आपको पता है बच्चों मेजोरिटी क्या होती है, बहुमत किसे कहते हैं। अगर किसी सरकार को आधे से ज़्यादा सीट मिल जाती है ना, तो उसे मेजोरिटी कहते हैं। और कोलिजन किसे कहते हैं, अगर एक सिंगल पार्टी जो है वो मेजोरिटी गेट नहीं कर पाती, ठीक है, और दो या दो से ज़्यादा पार्टी मिलके जो है ना गवर्नमेंट बनाते हैं, उसे कोलिजन कहते हैं, ठीक है, गठबंधन। जब एक कोई भी एक सिंगल पार्टी आधे से ज़्यादा जो है सीट नहीं ले पाती, तो दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं गठबंधन की सरकार, ठीक है। अब एक इसमें ना आपकी केस स्टडी आ जाती है। केस स्टडी कैसे आ जाती है, मान लो मैंने बोला कि एक ए पार्टी है, उसमें 10 सीट है उसको मिली, बी पार्टी को 20 सीट मिली है, सी पार्टी को 5 सीट मिली है, तो बताओ ये मेजोरिटी की गवर्नमेंट कौन बनाएगा। तो टोटल कितना होगा, 30 35 35 का आधा कितना होता है, आप देखो 17.5 होता है, ठीक है। तो यानी कि 18 सीट जिसके पास होगी वो सरकार बना लेगा। यहाँ पे बी के पास 20 सीटें हैं, तो आप बोलोगे बी पार्टी बना लेगी, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पर हमें ये बोल दिया जाता क्वेश्चन में, मान लो यहाँ मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मेजोरिटी समझ में आ गया क्या होता है, बहुमत किसे कहते हैं। अगर मान लो अब यहाँ पर ये बोल दिया जाता कि ए के पास जो है वो 12 सीटें,
ठीक है। ए के पास कितनी है, 12 सीटें हैं, और बी के पास जो है 15 सीटें हैं, और सी के पास जो है 7 सीटें हैं, ठीक है। तो अब मान लेते हैं टोटल 35 थी, बाकी किसी और को मिल गई होगी, ठीक है। तो अब बताओ कि किसकी सरकार बनेगी। अब किसी की भी नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे पास 18 सीटें होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये ए और सी मिलकर सरकार बना सकते हैं, बी और सी मिलकर बना सकते हैं, ठीक है, या ए और बी मिलकर बना सकते हैं। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, कोअलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब बस मैंने थोड़ा समरी में ये दोनों चैप्टर आपको बता दिए, बाकी थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फादर किसे कहा जाता है। अगर आपसे पूछे संविधान के पिताजी किन्हें कहा जाता है, तो आप बोलोगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। अगर पूछेगा ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बता दोगे। अगर बोलेंगे चेयरमैन कौन थे, मतलब अध्यक्ष कौन थे, अगर अध्यक्ष अगर ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं लिखा आया, फादर लिखा नहीं आया, तो इसका मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, परमानेंट जो थे। और अगर पूछेगा नॉन परमानेंट कौन से थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। हमारा संविधान जो है बनकर कब तैयार हुआ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बनकर कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 में हुआ, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा हमारा संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, ठीक है। सुन लो, अगर पूछे हमारा संविधान बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, लगभग 3 साल लगे, ठीक है। और अब देखो ज्योग्राफी के अंदर आपने होप कर ही लिया होगा, ठीक है, मिट्टी को बचाने के कैसे तरीके होते हैं, पानी को बचाने के तरीके क्या होते हैं, ठीक है, और जैसे रक्षा मिथिला क्या होता है। तो अब मैं इतना ही आज बता पाऊँगा, और होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इस टाइम पर इतना बहुत है। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। मैंने 3-4 वीडियो और बना रखी थी इंपॉर्टेंट, तो आप सबने वो देखी होंगी, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली डियर, टेक केयर ऑल डियर्स।